हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी पर स्वागत है। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय ग्रुप कैसे कहते हैं, चक्रीय ग्रुप यानी मैं रिवाइज करवा दूं, चक्रीय ग्रुप कैसे कहते हैं। यदि जी एक ग्रुप है और उसका कोई अवयव ए इस प्रकार विद्यमान है कि जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी जी के प्रत्येक अवयव को उस अवयव यानी ए जो सपना लिया है उसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर दिया जाए ना, तो जी क्या होगा? चक्रीय ग्रुप होगा। और ए अवयव है ना, वो जी का क्या होगा? जनक यानी जनरेटर। अब एक क्वेश्चन लिया है उस यानी साइक्लिक ग्रुप उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है। तो जी एक ग्रुप है, जी इस प्रकार का एक ग्रुप है यानी ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया ग्रुप है अपने पास। और यदि किसी भी कोई ग्रुप है उसमें यदि आपको ऑपरेशन दिया तो हम उसे मल्टीप्लिकेटिव के लिए ही हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। यानी मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या एक ग्रुप है तो फाइंड करना है अपने को, फाइंड ऑल द जनरेटर्स यानी इसके कितने जनक हो सकते हैं वो अपने सभी फाइंड करने हैं, मतलब कितने जनक इसके हो सकते हैं वो अपने को फाइंड करना है, कितने जनक इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जनक का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक ग्रुप है, ग्रुप में से कोई एक अवयव ऐसा विद्यमान होगा यानी एग्जिस्ट करेगा भी उसकी अपने पूर्णांक घात करेंगे ना तो वो सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर देगा। तो सब अपने सबसे पहले चेक करते हैं यानी एक की अपने पूर्णांक घात करते हैं यानी एक की पूर्णांक यानी एक की घात अपने एक करते हैं, पूर्णांक घात करनी है एक की घात एक करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? वन। एक की घात दो करते हैं तो भी अपने को वन। यानी इसी प्रकार अपने कितनी भी घात कर दें इसकी, एक की अपने एन घात कर दें तो भी अपने को एक ही मिलेगा, यानी जी के सभी अवयव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अपने देखते हैं माइनस वन के लिए, और माइनस वन की पावर अपने वन कर दें तो माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर टू कर दें तो अपने पास वन आ जाएगा, यानी माइनस वन और वन तो आ गया लेकिन देखते हैं अब आइटा और माइनस आइटा आ रहे हैं, यदि ये दोनों भी आ गए ना तो माइनस एक इसका जनक हो जाएगा। अब माइनस एक की पावर तीन करते हैं तो माइनस एक, इसी प्रकार माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक इसी प्रकार आता जाएगा ये, यानी माइनस एक भी जी का यानी ग्रुप जी का जनक नहीं है। तो अपने चेक करते हैं अगला एलिमेंट यानी आइटा, आइटा के लिए चेक करते हैं, जब आइटा की पावर वन करते हैं तो आता है आइटा, जब आइटा की पावर टू करते हैं तो आता है माइनस वन, आपको आइटा स्केयर माइनस वन होता है। और आइटा जब क्यूब करते हैं अपने आइटा की पावर थ्री तो कितना आता है? आइटा की पावर थ्री यानी इसका मान आप किस प्रकार निकालोगे यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको, आइटा की पावर थ्री का मान आप इस प्रकार निकालोगे यानी आइटा स्केयर इंटू आइटा, या आइटा क्या हो गया? थ्री हो गया, और आइटा स्केयर माइनस वन होता है इंटू आइटा, तो कितना आ गया? माइनस आइटा, यानी आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा होता है, आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा। और आइटा रेस टू फोर करेंगे तो कितना आएगा? वन आएगा, यानी आइटा एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो जिसकी अपने पूर्णांक घात करते हैं ना वो जी के सारे एलिमेंट अपने को प्राप्त हो रहे हैं, तो आइटा जी का क्या है? जनक है। इसी प्रकार अपने माइनस आइटा के लिए चेक करते हैं, माइनस आइटा रेस टू वन, माइनस आइटा रेस टू वन करते हैं तो माइनस आइटा, माइनस आइटा की पावर टू करते हैं तो कितना आएगा? आइटा स्केयर यानी माइनस वन। ओके, और आइटा माइनस आइटा की पावर क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ से देखते हैं अपने, तो इसका मान आएगा आइटा, और आइटा रेस टू फोर करते हैं इसका मान आएगा वन, माइनस आइटा रेस टू फोर करते हैं इसका मान आएगा वन। तो माइनस आइटा भी जी का एक ऐसा एलिमेंट अपने को प्राप्त हो रहा है जो कि उसकी पूर्णांक घात अपने करते हैं ना, ये पूर्णांक घात है यानी जेड में सी बिलोंग है, पूर्णांक घात अपने कर रहे हैं तो जी के सभी एलिमेंट अपने को प्राप्त हो रहे हैं।
तो आइटा और माइनस आइटा क्या है? आइटा और माइनस आइटा, आइटा व माइनस आइटा जी के दो जनक है। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड से आप आइटा और माइनस आइटा यानी किसी भी ग्रुप के जनक कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो शॉर्ट मेथड देखिए। अब आपको ऑर्डर निकालना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो का देखकर आप ऑर्डर निकालना जान सकते हैं, यानी ग्रुप में किसी अवयव का ऑर्डर कैसे निकलता है। तो अब अपने ऑर्डर देखते हैं, ग्रुप में किसी ये अवयव है इन सब के ऑर्डर निकालते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ इस ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ वन किसके इक्वल, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक होता है, और हमने पढ़ा था एक का ऑर्डर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर एक ही होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ माइनस वन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस वन यानी माइनस वन को कितनी बार गुना किया जाए, क्योंकि अपने पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, यानी माइनस एक को कितनी बार गुना किया जाए भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी एक। गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है यानी एक। अब एक को अपने दो बार गुना करेंगे, माइनस एक को दो बार गुना करेंगे तो ये आएगा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस वन कितना है, यानी एक को अपने अपने दो बार, माइनस एक को अपने दो पावर कर रहे हैं, जब पावर दो कर रहे हैं तब ई आ रहा है यानी वन आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू टू, ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू। अब अपने चेक करते हैं इसकी आइटा यानी ऑर्डर ऑफ आइटा, यानी आइटा को अपने कितनी बार मल्टीप्लाई करें, यानी आइटा को अपने कितनी बार मल्टीप्लाई करें बी वन आ जाए, सिंपल है। आइटा को अपने जब चार बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी वन आएगा, तभी वन आएगा, यानी आइटा का ऑर्डर कितना होगा, चार। इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, आइटा रेज टू फोर इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं, क्योंकि गुना के लिए चार पावर में लिखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा देखते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा यानी माइनस आइटा को कितनी बार गुना करें बी वन आ जाए, इसको भी चार। अब यहां से ये निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है, ऑर्डर ऑफ वन वन है, ऑर्डर ऑफ माइनस वन टू है, ऑर्डर ऑफ आइटा माइनस, ऑर्डर ऑफ आइटा चार है, ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी चार है, यानी जी के सभी अवयवों का ऑर्डर अपने निकाला है। यानी अब इसके जनक किस प्रकार अपने फाइंड कर सकते हैं, जनक अपने किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, जिन जी के जिन अवयवों का ऑर्डर यानी जी के जिन अवयवों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, और ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ जी, जी में कितने एलिमेंट हो, जी में चार एलिमेंट है, वही ग्रुप जी का ऑर्डर होता है, अपने को पता है। यानी ग्रुप जी के उन ऐसे अवयव जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, यानी जी के ऐसे अवयव, ये जी के अवयव आइटा और माइनस आइटा, जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो वो उनके जनक होते हैं। यानी यहां से अपने सीधे निकाल सकते हैं, आइटा और माइनस आइटा जी के जनक है यानी जनरेटर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्रुप अपने को इस प्रकार से दे रखा है, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड इसकी अपने ले लेते हैं प्लस मॉडुलो सेवन, यानी एडिटिव मॉडुलो सेवन, मॉडुलो सेवन कंडीशन ले लेते हैं। अब इसका अपने को ऑल जनरेटर फाइंड करने हैं, यानी जनरेटर फाइंड करने हैं, जब अपने इसके जनरेटर फाइंड करेंगे फाइंड, ठीक है, तो हम इस सभी अवयवों के ऑर्डर फाइंड करेंगे। प्लस के लिए, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, तो अपने को पता है ऑर्डर ऑफ जीरो तो कितना होगा, वन होगा। अपने को पता है किसी भी ग्रुप में तस्मक अवयव का ऑर्डर एक होता है। अब ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन निकालेंगे तो अपने पास सेवन आएगा, ऑर्डर ऑफ वन निकालेंगे सेवन आएगा, यानी सेवन को कितनी बार, यानी वन को कितनी बार प्लस करें, प्लस है, अब प्लस संक्रिय है, और उसमें डिवाइड करेंगे सेवन का, तो
वन को अपने कितनी बार प्लस करें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी वन को अपने 7 बार प्लस करते हैं ना, 7 टाइम्स प्लस ऐड करते हैं, 7 टाइम्स ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम ऐड करते हैं ना, तो अपने पास आइडेंटिटी आता है यानी वन आता है, यानी जीरो आता है, क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी कितना होता है? जीरो, क्योंकि इन सारों को जोड़ो 7 और 7 से डिवाइड कर दो तो आ गया रिमाइंडर, देखना होता है अपने रिमाइंडर यानी शेषफल देखना होता है, जीरो आएगा शेषफल, रिमाइंडर। अब ऑर्डर ऑफ, ऐसी आप ऑर्डर ऑफ टू निकालोगे यानी दो को कितनी बार जोड़ें, बी अपने पास जीरो आ गया, इसको भी 7 बार, ऑर्डर ऑफ 3 इसको भी 7, ऑर्डर ऑफ 4 इसको भी 7, ऑर्डर ऑफ 5 इसको भी 7, ऑर्डर ऑफ 6 इसको भी 7 यानी इन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने हैं? 7 7 है। और अपनों ने पढ़ा था, अपनों ने क्या पढ़ा था, ग्रुप जी के जिन अवयवों का ऑर्डर, ग्रुप जी के जिन अवयवों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो यानी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप का ऑर्डर क्या आता है, मतलब ग्रुप जी में कितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर होगा, यानी 7 एलिमेंट है तो 7 एलिमेंट यानी 7 इसका जी का ऑर्डर होगा, तो जी के उन अवयवों का, जी के ऐसे अवयव जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो इसके क्या होते हैं, जनक होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप जी के जनक हैं, ये सारे जी के क्या हैं, जनक हैं। अब अपने आगे देखते हैं, अपने थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल इस प्रकार है, जी कोई भी अपने ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी, यदि आप, आपको किसी ग्रुप में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ 7, तो इसके अपने फाइंड करने, फाइंड दी ऑल जनरेटर्स, जनरेटर मतलब फाइंड करने अपने ऑल जनरेटर, जनरेटर फाइंड करने हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए ऑर्डर ऑफ 1 तो क्या होगा, 1, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। अब इसमें से आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट यानी इन अवयवों में से कौन कौन से ऑर्डर आएंगे, मतलब इन अवयवों के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, एक का ऑर्डर तो एक ही होगा यानी गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक होता है, तो तस्म एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और अवयव जो से बचे हैं इनके ऑर्डर क्या क्या आ सकते हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट है, एलिमेंट इनके ऑर्डर क्या क्या आ सकते हैं, इन एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या आ सकते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी 6, इन अवयवों के ऑर्डर क्या क्या आ सकते हैं यानी 2, 3, 4, 5, 6 इन अवयवों के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट ट्रिक ये है, जो ग्रुप जी की कोटी यानी ग्रुप जी की कोटी क्या है यानी जी का ऑर्डर क्या है, 6 है, मतलब इन अवयवों के ऑर्डर वो होंगे जो ग्रुप की कोटी का क्या होंगे, भाजक होंगे यानी ग्रुप की कोटी को डिवाइड करेंगे, यानी ग्रुप की कोटी को डिवाइड कौन करते हैं, यानी ग्रुप की कोटी के मल्टीपल होंगे, यानी 6 को अपने किस प्रकार से ले सकते हैं, 1 × 6 और किस प्रकार से ले सकते हैं, 3 × 2 ले सकते हैं, यानी और 6 को किसी प्रकार से नहीं ले सकते, यानी 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 6 यानी ये इन सभी एलिमेंट के ऑर्डर है ना, ऑर्डर 1, 2, 3 और 6 इन्हीं में से होंगे,
इन सारे एलिमेंट, ये जितने एलिमेंट हैं इनके ऑर्डर इन्हीं में से ही होंगे, ये सभी यानी दो का ऑर्डर निकाले तो इनमें से कुछ आएगा, तीन का निकाले तो भी इनमें से कुछ आएगा, चार का निकाले तो भी इनमें से कुछ आएगा, पांच का निकाले तो भी इनमें से कुछ आएगा, और छह का ऑर्डर निकाले तो भी इन्हीं में से ही कुछ आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने ऑर्डर। अब अपने इनमें से ऐसे देखेंगे जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वो अपने का पास क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। अब ऐसे ऑर्डर देखें, यानी दो को अपने कितनी बार लिखें, दो को अपने कितनी बार गुना करें, बी कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, वन आ जाए, दो टू इंटू टू, यानी कर रहे हैं मल्टीप्लाई करें, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और एट को सेवन से डिवाइड किया वन, रिमाइंडर वन आ गया। यानी दो को तीन बार, यानी ऑर्डर ऑफ टू तो थ्री है, यानी ये ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है, छः के बराबर नहीं है, तो अपने निकालेंगे ऑर्डर ऑफ थ्री, ऑर्डर ऑफ थ्री, यानी ऑर्डर ऑफ थ्री निकालेंगे ना तो अपने पास सिक्स आ जाएगा, यानी थ्री को अपने सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यानी थ्री जा नाइन, यहाँ पर टू बच गया। फिर इसी प्रकार आप जब फाइंड करोगे ना, आपको यदि ऑर्डर निकालना नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप ऑर्डर निकालना जा देख सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ थ्री इक्वल्स टू सिक्स। इसी प्रकार केवल इन अवयवों में से केवल थ्री ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, यानी तीन ग्रुप, यानी थ्री है ग्रुप जी का जनक है, यानी जनरेटर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।